नमस्कार, स्वास्थ्य से इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेब हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है, हमें सेब का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं सेब को खाकर, और कहाँ हमें थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए और क्या चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सेब का इस्तेमाल अच्छे से कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से समझते हैं सेब हमारी सेहत के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स की, जो हम एक सेब खाते हैं उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। एक मीडियम साइज सेब जो तकरीबन हमारा 200 ग्राम का है, उसके अंदर 104 कैलोरीज है सिर्फ, वाटर उसके अंदर 86% है, कार्बोहाइड्रेट हमें सिर्फ 28 ग्राम मिल रहा है, जिसके अंदर शुगर 10.4 ग्राम्स है, फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ही अच्छी है, 5 ग्राम फाइबर इससे हमें मिल जाता है। उसके अलावा हम बात करें प्रोटीन इसके अंदर 0.3 ग्राम है, फैट 0.2 ग्राम है, विटामिन सी की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, पूरे दिन का हमारा 10% वैल्यू हमें इस एक सेब से मिल जाती है। वहीं कॉपर इसमें 6% है, पोटेशियम 5% है, विटामिन के इसके अंदर 4% है, विटामिन ई, विटामिन B1 और विटामिन B6 इसमें 2-4% है, और ये एक रिच सोर्स है पॉलीफिनॉल्स का, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत प्रकार के इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेब के अंदर किस प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और वो क्या फायदे हमें दे रहे हैं। सेब के अंदर क्वेरसिटिन होता है जो काफी और प्लांट कंपाउंड्स के अंदर भी हमें मिलता है, और ये एक बहुत ही एक्टिव कंपोनेंट है, और इस एक्टिव कंपाउंड की वजह से सेब से हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी कैंसर और एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिससे हमारे शरीर को भी इनका फायदा होता है। इसके अंदर कैचिन होता है कि जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी ब्रेन और मसल की फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है और उसको कम करता है। इसके अलावा वो वेट लॉस के अंदर भी काफी हमारे काम आता है। तो ये बायोएक्टिव जो कंपाउंड्स हैं हमारे एप्पल के अंदर मिलते हैं, जिससे हमारी सेहत और बेहतर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या फायदे होते हैं हमें सेब खाने से। सेब खाने से जो हेल्थ बेनिफिट्स हमें हो रहे हैं वो इस प्रकार हैं। ये हमारे वजन को घटाने में काफी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर कैलोरीज काफी कम है, वाटर की भी इसके अंदर अच्छी मात्रा है, इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा के अंदर है, और इसके अंदर फैट ना के बराबर है, और इसका जो फाइबर है वो इतना अच्छा है कि जब उसे लेते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छे से सेटाइटी प्रदान करता है। तो सेब लेने से हमें एक फीलिंग आती है फुलनेस की, और इसकी वजह से हम बार बार खाना नहीं खाते, तो हमारे शरीर को फायदा होता है कि इसके अंदर एनर्जी इनटेक कम होता है और वो हमारे वेट लॉस के अंदर फायदा करता है। दूसरा फायदा जो सेब खाने से होता है वो है कि ये काफी ज्यादा डायबिटिक फ्रेंडली है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और शुगर की मात्रा तो है, लेकिन फिर भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। इसका मतलब हम सेब खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, परंतु ये हमारी बॉडी में एकदम से शुगर का स्पाइक नहीं करता, क्योंकि जो इसका फाइबर है वो उसको होल्ड करके रखता है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर है वो हमारी आंत से स्लोली होता है। इसके अंदर दूसरे पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जैसे कि क्वेरसिटिन और फ्लोरिडाजिन, जो हमारी आंत के अंदर से इसका एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको कम करते हैं। वहीं क्वेरसिटिन जो होता है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो जो डायबिटीज के अंदर इतनी सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो जाती है उसको भी ये कम करता है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज को भी होने से बचाता भी है, क्योंकि इनिशियल फेज में वो प्री डायबिटीज करता है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी वजह से हो रहा है उसको ये कम करता है, और जिनको डायबिटीज है उनके अंदर भी ये यहाँ एक्ट करके इन्फ्लेमेशन कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और हमारे बॉडी का शुगर अच्छे से कंट्रोल कर पाए। काफी स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि जो लोग लगातार एप्पल खा रहे हैं उनका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है और उनको डायबिटीज भी जल्दी से नहीं होता, और बल्कि वो डिले हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं एप्पल में वो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है उसको थोड़ा डिले करते हैं, और वहीं जो शुगर की अब्सॉर्प्शन है उसको भी डिले करते हैं। एक स्टडी के अंदर 38,000 से ज्यादा महिलाओं को डेली एक एप्पल दिया गया, और फिर
उनमें पाया कि उनकी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस 28% तक कम हो गए। तो इसलिए ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एप्पल को अच्छे से खाएं, इससे आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल भी होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो वो अच्छा होगा, और अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी ये आपके टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस को काफी डिले करता है। तो जब भी एप्पल अवेलेबल हैं, फ्रेशली अवेलेबल हैं, उस वक्त आप खाएं। काफी ज्यादा जो लॉन्ग कोल्ड स्टोरेज के एप्पल है वो आप कृपया ना लें। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको अगर आप फ्रेश लेते हैं जो उस सीजन के अंदर है तो आपको बेनिफिट ज्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, सेब खाने से हमारा लिपिड प्रोफाइल बेहतर हो जाता है और ये हमारे हार्ट को भी काफी ज्यादा फायदा करता है। हैमस्टर के अंदर एक स्टडी हुई जिसके अंदर लोगों ने डेली एप्पल खाया, उनके अंदर ये पाया गया कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल अब घट गए और काफी कंट्रोल हो गए। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज इस स्टडी से निकल के आई वो ये थी कि जिन लोगों के अंदर प्लाक बने हुए थे उनके अंदर 48% रिडक्शन हुआ प्लाक साइज का। तो ये काफी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग इस स्टडी के अंदर आई कि एप्पल खाने से उन लोगों के जो प्लाक है उसका साइज 48%, हम कहते हैं लगभग आधा घट गया। तो ये काफी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। सेब के अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है जो जब आंत में जाता है तो हमारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं, तो यहाँ पर ही वो एक्ट करता है और हमारे लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एक्टिंग एट द लेवल ऑफ गट जो हमारी आंत है उसमें काम करके। इसके अलावा इसके अंदर जो एपिकेचिन होता है वो हमारे बीपी को भी कम करता है। काफी स्टडीज में ये पता चला है कि जो लोग फ्लेवोनॉइड्स अच्छी मात्रा में लेते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से उनके चांसेस स्ट्रोक होने के काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बूस्ट करता है और हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छा रखता है। इसके बाद जो अगला फायदा है सेब खाने का वो ये है कि काफी कैंसर होने से भी बचाता है। एक स्टडी के अंदर लोगों ने एक या एक से ज्यादा सेब डेली खाया तो उन लोगों में पाया कि उनके अंदर 20% चांसेस कोलोरेक्टल कैंसर होने के घट गए और 18% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के घट गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। एक और स्टडी के अंदर जो वुमन के अंदर हुई जिन्होंने डेली एप्पल खाया तो उनके अंदर उन्होंने पाया कि उनका कैंसर डेथ होने से चांसेस काफी हद तक कम हो गए हैं। तो ये दोनों स्टडी से पता लगता है कि एप्पल लेना हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा है और वो कैंसर प्रिवेंशन में भी काम आ रहा है। सेब हमारी गट हेल्थ को भी ठीक करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर गुड क्वालिटी का है और जो सोल्यूबल फाइबर हमारी बॉडी में जाता है अब ये काफी स्टडी से प्रूव हुआ है कि वो एज ए प्रीबायोटिक एक्ट करता है। और जब हमारा गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा, जो हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया है वो अच्छे रहेंगे, तो वो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये जो हमें क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है इसके अंदर इसका काफी ज्यादा खास बेनिफिट पाया गया है कि ये स्पेशली ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्टर्ड जो लिपिड प्रोफाइल है, डेरेंज लिपिड प्रोफाइल है, या कैंसर, इन सब से हमें बचाव मिलता है क्योंकि अब हमारे आंत के बैक्टीरिया काफी स्वस्थ हैं और वो हमारे लिए ऐसे कंपोनेंट्स बना रहे हैं जिनकी वजह से हमें ये दिक्कतें नहीं होती। तो इसलिए आप सबको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से खाने चाहिए जो आपके लिए प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं और आपके आंत के बैक्टीरिया को और बेहतर करते हैं ताकि आपके लिए वो ऐसे कंपाउंड्स बना पाए जिससे आप और स्वस्थ हो जाएं। सेब एस्थमा और साइनसाइटिस को भी ठीक करने में सक्षम है क्योंकि इसके जो स्किन होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है क्वेरसिटिन, और ये जो क्वेरसिटिन होता है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, और जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमें जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारी एयरवेज के अंदर और हमारी लंग के अंदर जो हो रही है या हमारी साइनोनेजल कैविटी में जो हो रही है उनको ये कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए हमें एस्थमा और साइनसाइटिस के अंदर भी काफी आराम मिलता है। इसके अलावा क्वेरसिटिन का इम्यून मॉड्यूलेशन फंक्शन भी काफी स्टडीज में अब सामने आया है, काफी एनिमल स्टडीज में अच्छे परिणाम भी मिले हैं, और प्रोबेबली इनकी वजह से ही ऐसा लगता है कि शायद सेब जो खाने से हमें इतने बेनिफिट हो रहे हैं उनका एक कारण ये क्वेरसिटिन भी है। हमारी ब्रेन की हेल्थ को भी अच्छा रखता है, और क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और दूसरे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं
वो हमारी ब्रेन के अंदर जाकर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और जो नर्व्स हैं उनकी हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, और उनके अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको रेगुलरली क्लीन अप करते रहते हैं ताकि वो बिल्डअप ना हो, और हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोडिजेनेटिव चेंजेस जैसे कि पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी दिक्कतें ना हो। उसके अलावा जो क्वेरसेटिन है वो हमारा स्ट्रेस रिलेटिव जो न्यूरल नर्व्स के ऊपर चेंजेस आते हैं उनको भी बचाने में काफी सक्षम है। तो इन सारे कारणों से ही ये हमारे दिमाग की हेल्थ को काफी अच्छा रखता है और उसको काफी फंक्शन को बूस्ट करता है। ये सब फायदा जानकर अब हमें और ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने सेब को अच्छे से खा सकते हैं, हमें क्या और चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे शरीर को सेब का फायदा हो और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जैसे कि जो सेब की कल्टीवेशन है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का काफी इस्तेमाल होता है और इनके स्किन के ऊपर काफी सारे पेस्टिसाइड्स लगे हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें इनको हमेशा अच्छे से धोकर खाना चाहिए। इसके बाद ये आपने सुना ही होगा कि एप्पल के सीड्स या एप्पल का कोर हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर आप थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन जो एप्पल के सीड्स होते हैं उनके अंदर साइनाइड बनाने वाले कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में एप्पल सीड्स खा लें या बहुत ज्यादा मात्रा में हम एप्पल कोर खा रहे हैं जिसके अंदर उन्हें हम अच्छे से च्यू भी कर रहे हैं और क्रश भी कर रहे हैं, तभी ऐसा होगा कि हमें साइनाइड टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक हेल्दी एडल्ट के लिए लगभग 150 सीड्स चाहिए जो उसने अच्छे से क्रश किए और खाए हैं, तभी ऐसे बदलाव आएंगे। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप इतने ज्यादा सीड्स खाएंगे तभी आपको होगा। अगर आप थोड़े बहुत एप्पल कोर या कुछ सीड खा भी लेते हैं तो उनसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग एप्पल जूस पीने का शौक रखते हैं और उसे रेगुलरली पीते हैं और साथ ही साथ एलर्जी के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, स्पेशली फेक्सोफेनाडिन जो एलेग्रा के नाम से आती है, तो इनका एक इंट्रेक्शन है। जो एप्पल जूस आप पी रहे हैं वो आपको इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन के अंदर काफी दिक्कत करती है और ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो आपके शरीर में जो इसके एंटी एलर्जिक इफेक्ट है वो भी नहीं आ पाएंगे। तो जो भी एप्पल जूस पी रहे हैं कृपया वो ध्यान रखें, अगर आप ऐसी एंटी एलर्जिक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया एप्पल जूस ना पिए। यही मैं आपको याद दिला दूं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो एप्पल को पील करके खाते हैं, तो जो लोग एप्पल को पील करके खा रहे हैं वो उसके दूसरे बेनिफिट्स को तो ले रहे हैं, लेकिन जो एप्पल का इम्पोर्टेंट जो एक और बेनिफिट है आपका जो फाइबर है वो सबसे ज्यादा उसके पील के अंदर ही होता है, और उसे अगर आप निकाल के फेंक देते हैं और उसके जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर कंपाउंड्स हैं वो भी उसके साथ चले जाएंगे तो एप्पल खाने का इतना सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। मैं मानता हूं कि हाँ, जो एप्पल के अंदर पेस्टिसाइड होने की संभावना है तो उसको कम करने के लिए आप उसको अच्छे से धोएं। और कृपया एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि आप कभी भी वैक्स्ड एप्पल ना लें, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो भी आप एप्पल खा रहे हैं वो सीजनल खाएं ताकि आपको हमेशा फ्रेश फ्रूट मिले और आप उसको एंजॉय करके और हेल्दी हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जानकारी प्राप्त कर अब आप अपने सेब को अच्छे से खाएंगे, और अगर आप उसे नहीं खाते या कम खाते हैं तो उसको अच्छी मात्रा में अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे। चाहे आप वजन बढ़ा रहे हैं चाहे वजन घटा रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी अपने सेब का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं डायबिटीज के अंदर। बस यही एक ध्यान रखना है आपको कि सेब की मात्रा बहुत ज्यादा आपको नहीं करनी है। हालांकि आप डेली एक सेब खा रहे हैं तो उससे आपका फायदा ही होने वाला है और आपकी शुगर तो कंट्रोल होगी होगी, उसके अलावा भी इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और सेब खाते हुए बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि उसके बीज ज्यादा नहीं खाने और उसको हमेशा कम्प्लीटली खाना है, आप उसको पील करके ना खाएं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी और आप इनसे फायदा भी उठा रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये और किसी का भी फायदा करा सकती है तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी लर्निंग, आपके फीडबैक को भी आप हमेशा कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें और जो रिजल्ट्स आप प्राप्त कर रहे हैं उनको भी कृपया जरूर शेयर करें। आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या हो रही है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उनका आपको तुरंत जवाब दूंगा।
और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं आने वाली वीडियो में एक वीडियो बनाकर भी उनको जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।